इधर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में तो भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं एग्जिट पोल के बाद। बीजेपी हेडक्वार्टर को बकायदा सजाया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। कल सुबह से ही बीजेपी दफ्तर में बड़े बड़े नेताओं का आना शुरू हो जाएगा, जो यहीं से नतीजे देखेंगे। अगर जीत होती है तो शाम को रोड शो की भी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा कि पीएम मोदी 7LKM से बीजेपी मुख्यालय तक बकायदा रोड शो कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर में भी जोर शोर से तैयारियां हो रही है। जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में भी काउंटिंग के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस दफ्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं को बैठाने के लिए शामियाना लगाया जा रहा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सभी दल दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन को 295 सीटें तो आनी है। तो कहीं रथ जगा चल रहा है, कहीं कल जश्न के लिए लड्डू के भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं। लखनऊ में करीब 100 क्विंटल लड्डू के ऑर्डर दिए गए हैं जो अलग अलग व्यापारियों को मिले। कानपुर में बीजेपी ने 21 क्विंटल लड्डू के ऑर्डर दिए। ये देखिए लड्डू ऐसा लग रहा है कि आदमी लेके खा ही ले। खैर, वाराणसी में बीजेपी ने 500 किलो लाल पेड़ा मिठाई के ऑर्डर दिए हुए। बिहार में कुछ जगह RJD ने 450 किलो लड्डू का ऑर्डर दे दिया। दिल्ली में बीजेपी के कई नेता समर्थकों ने 2000 किलो लड्डू की एडवांस बुकिंग करा दी। यानी लड्डू किसके मन में फूटेगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन लड्डू की बुकिंग सबने कर दी। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से लड्डुओं की एडवांस बुकिंग चल रही है। वाराणसी में पीएम मोदी की जीत के लिए खास तैयारियां हो रही हैं। मुस्लिम महिलाएं अपने हाथों से लड्डू बना रही हैं पीएम मोदी के लिए। देखिए वाराणसी से रिपोर्ट, फिर आगे की बात बताता हूं। एग्जिट पोल के बाद एक तरफ जहां पर कई सारे कैंडिडेट्स की दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं, तो वहीं बीजेपी ने जीत के जश्न की तैयारी कर ली है। इस वक्त मैं मुंबई के गणेश भंडार में मौजूद हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां हजारों लड्डू के ऑर्डर दे दिए गए हैं, मेगा ऑर्डर दे दिया गया है। और यहां पर आपको दिखाई देंगे प्रधानमंत्री मोदी के नाम के बक्से, उसमें पैक होते लड्डू, और प्रधानमंत्री मोदी के मास्क लगाते हुए लड्डू बनाते हुए यहां के कर्मचारी, यहां के कारीगर। हमने 14 में भी बनाए थे, 19 में भी बनाए थे, और 14 और 19 के बाद तो अब तो 10 साल का डिलीवरी है। तो कितने लड्डू का ऑर्डर दिया है और किन किन लोगों को बांटेंगे, कहाँ बांटेंगे? ये हमने 10,000 लड्डू का ऑर्डर दिया है। ये लड्डू के लिए ये खास डब्बे बनाए और डब्बे पर लिखा है मोदी जी को बधाई देते, फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। देश की जनता ने उनको पहचान लिया है और मोदी जी को भी देख लिया है। मोदी जी के 10 साल का डिलीवरी को लोगों ने मोहर लगाई। उधर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तो मिठाई की दुकानों में काउंटिंग को लेकर अलग ही क्रेज दिख रहा है। कोलकाता में सभी पार्टियों के सिंबल की मिठाई बनाई जा रही है। बीजेपी के सिंबल वाली मिठाई, TMC के सिंबल वाली मिठाई, इसी तरह से कांग्रेस और लेफ्ट के दलों के जो सिंबल हैं उस हिसाब से भी मिठाई बना दी गई है। मिठाई वालों का कहना है कि सबसे ज्यादा डिमांड बीजेपी और TMC के सिंबल वाली मिठाई की है। कोलकाता से भी एक रिपोर्ट देखिए। देश में काउंटिंग को लेकर तैयारियां चल रही हैं। विदेशों में भी भारत के लोकसभा चुनाव को लेकर गजब का उत्साह है। अमेरिका के न्यूजर्सी में एक भारतीय परिवार ने अपने रेस्टोरेंट में 4 जून को फ्री में मेथी गोटा बांटने का फैसला किया। इन लोगों को पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी तीसरी बार जीतने वाले हैं, और इससे पहले 2014 और 19 में भी पीएम मोदी की जीत पर मिठाई इन्होंने फ्री में बांटी थी। इस बार भी कह रहे कि बांटेंगे और बड़ी संख्या में लोग लाइन में लग के खाने आते हैं। मोदी विरोधी इंडी गठबंधन में भले ही नतीजों को लेकर भयंकर टेंशन है, कंफ्यूजन है, लेकिन सहारनपुर के एक मौलाना को सपने में सब कुछ क्लियर दिख रहा है। खुदा का नाम लेकर मौलाना ने दावा किया है कि उनके सपने में नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हो चुका है। खुद मौलाना से सुनिए उन्होंने कहा सपने के बारे में क्या बताया। तहज्जुद के वक्त मुझे ख्वाब नजर आया कि एक खूबसूरत प्रोग्राम सजा हुआ है और उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और मुतहर्रिक फुआल हस्तियां तमाम मौजूद हैं और आवाज़ आ रही है उस प्रोग्राम में से जिस तरह उमूमन आमतौर पर आवाज़ आती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, फिर पूरी तरीके से वो शपथ ले रहे हैं। आवाज़ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की थी और चेहरा साफ तौर पर नज़र नहीं आया, लेकिन ये तय है कि मैंने उनको ये पहचान लिया कि वो श्री नरेंद्र मोदी जी थे। इस ख्वाब को मेरे कोई नज़रअंदाज न करे, नहीं इसका मजाक उड़ाएं। ये ख्वाब
अल्लाह की तरफ से मुझे दिखाया गया और मैंने उलमाए किराम से इसकी ताबीर का पता किया है और मैंने कभी नहीं कहा कि किसकी सरकार आ रही है किसकी जा रही है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस ख्वाब के जरिए एक इल्म देने। यानी इधर मौलाना नतीजे आने से पहले ही सपने में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण होते हुए भी देख ले रहा है। वहीं देश भर में पीएम मोदी और एनडीए की जीत के लिए दुआएं भी चल रही हैं। यूपी के अमरोहा में एनडीए की जीत के लिए हवन चल रहा है, बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रार्थना चल रही है। तो ये सब भी चल रहा है, हवन वगैरह भी चल रहा है। उधर वाराणसी में महिलाओं ने पीएम मोदी की जीत के लिए रुद्राभिषेक किया है। वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर में पूजा चली है, वहां की तस्वीरें भी दिखाई है। प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी की जीत के लिए दुआ मांगी है। महिलाओं ने कहा है कि मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, इसलिए वो एक बार फिर मोदी सरकार बनने की दुआ मांग रही है। या अल्लाह पाक आपकी दफे मोदी सरकार फिर से आए, आमीन। या अल्लाह पाक जैसे हम सब औरतें सुरक्षित हैं मोदी सरकार में, इसीलिए हम लोग सब दुआ कर रहे हैं, आमीन। या अल्लाह फिर से मोदी सरकार आए। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सिनेमा हॉल मालिक भी काफी उत्साहित। कई सिनेमा हॉल में काउंटिंग लाइव दिखाई जाएगी। मूवी मैक्स मल्टीप्लेक्स चेन के कुछ सिनेमा हॉल्स में नतीजे लाइव दिखाए जाएंगे। मूवी मैक्स में आपका पसंदीदा चैनल टाइम्स नाउ नवभारत दिखाया जाएगा। इसके अलावा और कहां कहां क्या व्यवस्था है वो भी बताता हूं। महाराष्ट्र के कई शहरों के सिनेमा हॉल में नतीजे लाइव दिखाए जाएंगे। मुंबई, नासिक, पुणे और नागपुर सिनेमाघरों में नतीजे थिएटर में लोग बैठ के देखने वाले हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव नतीजे थिएटर में चलेंगे। सिनेमाघरों में टिकट 99 रुपए से 300 रुपए तक का होगा और लोग बुकिंग करा रहे हैं। सोचिए कितना क्रेज है चुनावी नतीजों का। इस माहौल के बीच काउंटिंग से पहले एनडीए और एनडी गठबंधन के बीच बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसके बाद नीतीश कुमार ने अमित शाह से फोन पर बात की। उधर काउंटिंग से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। दूसरी तरफ सोनिया गांधी, रामगोपाल यादव, फारूक अब्दुल्ला और लेफ्ट नेताओं समेत इंडी गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने चेन्नई में काउंटिंग डे पर चर्चा की है, काउंटिंग डे को लेकर। हालांकि ये सभी नेता डीएमके के फाउंडर करुणानिधि की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चेन्नई पहुंचे थे। सूत्रों का तो यह भी दावा है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत इंडी गठबंधन के तमाम नेता कल शाम या परसों तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से सभी नेताओं को बुलाया जा रहा है। इधर महाराष्ट्र में भी बड़ी हलचल दिख रही है। महाराष्ट्र में इस बार उद्धव ठाकरे बीजेपी और एनडीए से अलग होकर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। बीजेपी कैंडिडेट नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 20 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे पीएम मोदी के साथ हो जाएंगे। सुनिए रवि राणा का यह बड़ा दावा। बाड़ा साहब और मोदी जी के जो संबंध थे, जो मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, उद्धव ठाकरे के लिए मेरी एक विंडो हमेशा खुली है। उस विंडो से आने वाले कुछ दिनों के अंदर देश के प्रधानमंत्री की मोदी जी शपथ लेने के बाद 20 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे जी मोदी जी के साथ जाएंगे, उस विंडो से प्रवेश करेंगे। एक काले पत्थर की सफेद रह गए कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे मोदी जी के साथ दिखेंगे।